वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड जिसने भी यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लेना। तो हमारी जो फर्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो निकल कर आती है रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स को लेके। तो जो रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स के एक प्लेयर है जिनका नाम है राइट राइडर, एंड उनका फेयरवेल पोस्ट हमारे को देखने को मिला है, वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद आप लोगों को पता ही है कि हमारे को अभी ई स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो देखने को मिले थे। एंड इसमें यार जो एस के रोसी है उनको ई स्पोर्ट्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, एंड वो इसमें नहीं जीत पाए थे। तो उन्होंने इस पर एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था फील्स बैड मैन। एंड इसी चीज का रिप्लाई जो शिवानंदी है उन्होंने किया था जिसमें उन्होंने लिखा था फोकस्ड ऑन इंटरनेशनल मैन, एनी टाइम इंडियन गेमिंग अवार्ड एंड ज्यूरीज आर जोक, इमेजिन द सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजर हु कॉन्ट्रीब्यूटेड 1/4 ऑफ व्हाट स्काई एंड टीईसी स्पेंड इन 2020 इज द बेस्ट टीओ इन 2021। एंड इसी का रिप्लाई जो सिड भाई उन्होंने भी किया था कुछ ट्वीट्स में। तो उन्होंने अपने पहले ट्वीट में लिखा था कि ट्विटर पे बहुत लोग आरआर कर रहे हैं, कोई उनको जाके एक आधा अवार्ड दे दो। एंड इसके बाद उन्होंने सेकंड ट्वीट में रिप्लाई किया था उन लोगों का जो भी ये बोल रहे थे कि ये जो अवार्ड सेरेमनी थी वो स्क्रिप्टेड थी। एंड इसका रिप्लाई करते हुए उन्होंने लिखा था द अवार्ड वॉज रिज्ड लॉल, आई ऑलरेडी न्यू हु वॉज गोइंग टू विन, ब्रो यू नो हु वॉज गोइंग टू विन नॉट बिकॉज इट्स रिज्ड बट बिकॉज यू डीप डाउन नो दैट यू नो एस ट्वेल्व इज फार सुपीरियर। एंड उनका ट्वीट आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो नियो जोनाथन एंड जो शेडो है उन्होंने इस चीज के ऊपर रिप्लाई किया था, उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। बड़ा मिक्सिंग है जॉनी, हम आपको प्यार देते रहेंगे सिर्फ आप क्या ओके अवार्ड की जरूरत नहीं। अरे बाप रे बाप, क्या यार हम किधर अवार्ड अवार्ड जीते यार, हम गरीब इंसान, हमें क्या। मेरा ही गेम, मैं ही हूँ बैट्समैन, मैं ही खुद अंपायर, बॉल डाल। अरे अबे गाना है विवेक, मेरा ही स्टेडियम, मेरा ही मैच, मैं ही खुद अंपायर, हम किधर अवार्ड अवार्ड जीते हैं भाई, आज से एक अवार्ड नहीं जीते, क्या बात कर रहे हो जॉनी। दिन भाई आज They are showing that your org doesn't want so reacted. भाई वो लोगों का इवेंट था तो हम कैसे जाते लोगों के इवेंट में, कुछ लॉजिक है इसका? मतलब बंदों को तो ये समझना पड़ेगा हम रूटर से, वो लोग लोगों का इवेंट था तो ऑफकोर्स लोकल लोको वाले जाएंगे ना उसमें, हमारा क्या सीन उस रूटर का अवार्ड का वो बोल रहे थे कि जो TSM है वो उनके ऊपर लीगल एक्शन करने वाली थी एंड उसका क्या हुआ। तो इस चीज के ऊपर उन्होंने क्या रिप्लाई करा वो आप लोग देख सकते हैं। TSM के लीगल एक्शन को क्या हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ भाई, नथिंग हैपेंड, आस्क देम, उनसे ही पूछो भाई, आरआर करने से अच्छा है सोशल पे, उनसे जाके स्ट्रेट पूछ लो भाई, उनका केस हो जाने। एंड इसके बाद जो शेड में उन्होंने यार एक चीज़ और रिवील करी थी, एंड उन्होंने बताया था कि जो रॉबिन है उनको बहुत सारे ऑफर आए थे दोबारा TSM ज्वाइन करने के लिए, तो वो वाली क्लिप भी आप लोग देख सकते हैं। ऑफर तो रॉबिन को भी बहुत आया वापस आने का, पर यू नो एंड इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो निकल कर आती है मिस्टर स्पाइक को लेके। तो उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका जो मेन चैनल है वो पहले हैक हुआ था एंड अब वो सीधा टर्मिनेट हो गया है। एंड इसके बाद उन्होंने एक और स्टोरी डाली थी जिसमें उन्होंने मेन चैनल से रिलेटेड कुछ अपडेट्स डाली थी, एंड वो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एंड इसके बाद जो स्काउट है उनसे बहुत लोग बोल रहे थे कि वो आजकल मवी के साथ देखने को नहीं मिलते, तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने रिप्लाई करा एंड उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। सर आप और मवी नहीं दिखते, साथ में कुछ हुआ है क्या? नहीं रे बाबा, हम हमारे बीच में थोड़ी कुछ होगा, हमारे में क्या दिक्कत होगी बताओ, वो भाई अपना कल हम मैं मावी अल्ट्रॉन सब मिले ना यार। एंड इसके बाद जो एक्वानॉक्स है उनसे भी बहुत लोग पूछ रहे थे कि जो एस पावर है वो TSM ज्वाइन करने वाले हैं, तो उन्होंने इस पे क्या बोला वो भी आप लोग देख सकते हैं। क्रेट के अंदर छुप रहूंगा, मार देगा कोई भी ये क्या लाल लाल दिख रहा है क्रेट के बाहर? एस पावर ने TSM ज्वाइन किया है क्या? यस भाई यस, वो बुट कैंप में तो है, हर रोज चिल करने आता है हमारे घर पे भी आता है। यस बट मैंने बोला था आजा TSM पावर रेंजर।
एंड इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट निकल कर आती है वो निकल कर आती है घातक बाई को लेके। तो उनकी चैट में भी यार बहुत लोग बोल रहे थे कि जो सिड बाई के ट्वीट थे वो उनसे रिलेटेड थे। एंड इसके बाद अवार्ड सेरेमनी के बारे में भी उनसे व्यूज़ वगैरह मांग रहे थे, तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने रिप्लाई किया था। एंड उन्होंने टॉक्सिसिटी के ऊपर भी रिप्लाई करा है। उन्होंने क्या बोला वो आप लोग देख सकते हैं। नाम रखा है क्या भाई भाई गाइस 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 चैट में कुछ भी प्लीज गलत चीजें स्पैम मत करो मत करो मत करो मत करो मत करो किसी को कुछ मत बोलो डोंट डू एनीथिंग इन चैट प्लीज आई रिक्वेस्ट यू गाइस मत करो। कोई टॉक्सिक नहीं है गाइस, तुम लोग आपस में बस कुछ बकचोदी मत करो, अपने आप टॉक्सिसिटी तुमको कम खुद को कम दिखेगी। तुम लोग चैट में एक दूसरे को मतलब आई डोंट नो कि क्या मतलब तुमको खुन्नक रहती है लोग ऑडियंस को एक दूसरे की, छोड़ दो ना सारी चीजें, चिल करो, आप भी चिल करो, तुमको भी चिल करना है, काहे टेंशन ले रहे हो। तो बस गाइस यार अभी के लिए मेरे पास इतनी ही न्यूज़ थी एंड आगे कोई और अपडेट मिलेगी तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।